सुजानपुर महाविद्यालय में एक तरफ प्राचार्य के रिक्त पदों के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज परिसर में चारों ओर गंदगी का आलम बना हुआ है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बच्चे गंदगी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। वहीं कॉलेज परिसर का दौरा करने पर पाया कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और न ही कूड़े उठाने की व्यवस्था विभाग के द्वारा की जा रही है। सुजानपुर महाविद्यालय में एक तरफ प्राचार्य के रिक्त पदों के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज परिसर में गंदगी का आलम भी बना हुआ है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बच्चे गंदगी में पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। वहीं कॉलेज परिसर का दौरा करने पर पाया गया कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे कूड़े की उठाने की व्यवस्था विभाग नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए एबीबीपी द्वारा कॉलेज प्रधानाचार्य को मांग पत्र भी दे दिया है, जिसमें साफ लिखा गया कि बच्चों को बैठने के लिए बेंच की सुविधा नहीं दी जा रही है और कॉलेज में साफ सफाई ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर एबीपी के छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया था, लेकिन कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जिसके लिए छात्र संगठनों द्वारा भविष्य में कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने का मन बना लिया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुजानपुर इकाई के द्वारा महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कुछ स्थानीय मांगों को लेकर, जैसे कि कॉलेज में जनरेटर की व्यवस्था की जाए, कॉलेज में सफाई व्यवस्था को सुधारा जाए, कॉलेज कैंटीन में बैठने की व्यवस्था जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए, आर्ट्स ब्लॉक की खस्ता हालत को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, कॉमर्स ब्लॉक में बॉयज कॉमन रूम की व्यवस्था की जाए, कॉलेज में रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, कॉमर्स में कंप्यूटर प्रोफेसर उपलब्ध करवाए जाए, कॉलेज कैंपस में विद्यार्थियों को बैठने के लिए अधिक से अधिक बेंच की व्यवस्था की जाए, लाइब्रेरी में किताबों के न्यू एडिशन की व्यवस्था की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम पहले भी बड़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं प्रिंसिपल सर को, लेकिन हर बार हमें यही कह के टाल दिया जाता है कि हाँ हो जाएगा, इन दिनों के अंदर हो जाएगा, कुछ दिन दिए जाए हमें, लेकिन हर बार मतलब जो हमारी मांगों को पूरा ही नहीं किया जाता, हम हर बार मेमोरेंडम लेके अंदर जाते हैं। इस बारे में अनिल गौतम प्रधानाचार्य कॉलेज से बात की तो उन्होंने बताया कि शीघ्र ही आर्ट्स ब्लॉक में पड़े कचरे का निपटारा कर देंगे और भविष्य में कॉलेज प्रशासन साफ सफाई का ध्यान रखेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा बजट का प्रावधान कर लिया गया है, जिसमें लगभग 10 लाख की धनराशि का बजट बनाकर डायरेक्टर ऑफिस भेज दिया है, जिसकी स्वीकृति मिलने पर इमारत का जीर्णोद्धार किया जाएगा। टीचिंग स्टाफ में हमारे पास रिक्त पद सिर्फ इंग्लिश में एक रिक्त पद है, नॉन टीचिंग में हमारे पास एक क्लरिकल की पोस्ट जो है वो खाली चल रही है बहुत लंबे समय से। इसके नॉन टीचिंग में हमारे पास GLA की 3 पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हैं। इसके अलावा रैशनलाइजेशन की मैं भी मैंने डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन को एक तो बॉटनी ज्योलॉजी केमिस्ट्री और कॉमर्स में इसके लिए नई पोस्टें क्रिएट करने के लिए कहा हुआ है, तो मेरे को कल ही वहाँ डायरेक्टरेट में बात हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। आर्ट्स ब्लॉक की जहाँ तक बात है, जब मैंने इस महाविद्यालय में ज्वाइन किया था तो मुझे भी उसको देख के बहुत दुख हुआ था, तो मैंने आते ही PWD से एक एस्टीमेट बनवाया था इसके लिए, तो मेरे पास वो एस्टीमेट आ गया है, करीब 10,68,000 का एस्टीमेट है वो, तो वो मैंने डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन को भेज दिया है और उसकी बहुत जल्दी मेरे पास अप्रूवल आ जाएगी और जैसे ही अप्रूवल आती है मैं इस काम को करवाऊँगा और ये मेरी प्रायोरिटी है। मुझे MP फंड से 2 लाख का एक लेटर आया है, उसके लिए मैंने MC को भी अप्रोच किया था, तो वो कहते हैं कि मेरे पास हमारे पास अभी फंड नहीं आए हैं इसके, तो मैं अभी एक बार फिर MP साहब को अप्रोच करूंगा और इसके लिए हम कुछ और फंड भी रिलीज करवाने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर जरूर एक्शन लिया जाएगा। मेरे पास आजकल 20 तारीख तक जो है एडमिशन की डेट है, तो उसमें जो है SC और ST कोटे की जो सीटें हैं वो खाली बची हुई हैं, तो हम आज तक देखेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST का नहीं आता है मेरे पास, तो हम कल से जो है जनरल कोटे से जो है वो SC ST की सीटें भरेंगे ताकि बच्चों को उसका फायदा मिल सके।